रीवा शहर के पुलिस लाइन चौराहा के पास बिछिया पुलिस ने तीसरे दिन लॉकडाउन में लगाई चेकिंग। अनावश्यक घूमने वालों के ऊपर की जा रही कड़ी कार्रवाई। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां बिछिया पुलिस ने पुलिस लाइन चौराहा के पास तीसरे दिन लॉकडाउन के चलते चेकिंग लगाई एवं अनावश्यक घूमने वालों के ऊपर बिछिया पुलिस ने उठक बैठक भी करवाया। आपको बता दें कि कोविड 19 को लेकर प्रशासन ने 3 दिन का लॉकडाउन घोषित किया है, लेकिन कुछ लोग तफरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी दौरान बिछिया पुलिस ने अनावश्यक घूमने वालों के ऊपर कार्रवाई की और लोगों को वापस लौटा दिया। देखा जा रहा था कि कई लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते पाए जा रहे हैं, वहीं मेडिकल सुविधा वालों को ही पुलिस ने जाने दिया। वहीं बताया जा रहा है कि पुलिस लाइन चौराहा के पास 80% लोग स्टॉप के रहने वाले हैं। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए रीवा से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। जी हाँ, एक पुलिस लाइन चौराहा है जो अपने शहर का मेन मार्ग है, गुड़ चौराहा लगता है ये। और चूंकि हम लोग यहाँ 6 बजे से जो है चेकिंग पॉइंट में लगे हुए हैं, जो मुख्य जो पॉइंट है इसके अपने, जिसको छोड़ना रिलीफ मेडिकल इमरजेंसी दूध वाले हैं और बहुत किसी का कोई अगर नमी वगैरह हो गई, इनको छोड़ने के अलावा अन्य कोई यदि व्यक्ति गुजरता है तो उनको रोका जाता है, टोका जाता है, और अगर नहीं मानते तो उसके बाद उनको जो है जो उचित दंड है उनको दंड दिया जाता है। और ऐसी कोई भी गतिविधि अभी 3 दिन के उसमें जो है नहीं हुई है, बाकायदा पूरा लॉकडाउन का लोग बाग पालन कराने की कोशिश की जा रही है। तब भी लोग जो नहीं मानते हैं तो उनको डांटा जाता है, उनको लॉकडाउन का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, मास्क न लगाने पर मास्क के लिए भी बोला जाता है, और लगातार ही चल रहा है। और अभी 3 दिन लगभग अच्छा रहा, लोगों ने काफ़ी सहयोग किया है और उम्मीद करते हैं अनावश्यक घूमने वालों को प्रताड़ित भी किया जा रहा है और वापस भी किया जा रहा है कि अनावश्यक बाहर ना निकले, जिससे क्या है दूसरे लोग उससे कोरोना से संक्रमित हों। और सभी से अपील भी है कि सभी लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, जिससे जो है इस महामारी से बचा जा सके।